कवरेज कर पाए। और जैसे ही अब चुनाव आगे बढ़ रहा है और भाजपा की लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की तरफ आने लगी है, हमारा भाजपा की लीडरशिप से आग्रह है कि वो प्रदेश में वोट मांगने से पहले जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ सलूक किया है पिछले 15 महीने के दौरान, उसका हिसाब जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के समक्ष रखें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने इकट्ठे होके हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे नुकसान करने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। हिमाचल को नुकसान करने के लिए वित्तीय तौर पे उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई थी कि प्रदेश की सरकार वित्तीय दिक्कतों के चलते जो है धराशायी हो जाए। ये जो MLAs का प्रकरण हुआ ये तो सेकंड थॉट है, इससे पहले इन्होंने आर्थिक तौर पे हिमाचल प्रदेश के साथ जो किया है मैं उसका खुलासा आपके साथ करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो नेतृत्व इनका अब आने लगा है वो सबसे पहले इन पहलुओं पे जवाब दे। एक तो जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई और उसके बारे में तो आपको मालूम ही है कि मंडी और कुल्लू एरिया वर्स्ट हिट एरियाज थे, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट PDNA के तहत हिमाचल प्रदेश को 9000 करोड़ रुपया मिलना था, जो पूरा तरह कैलकुलेटेड था और जिससे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होनी थी। और ये PDNA का पैसा हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं दिया गया, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है, ये जहां से 3 सांसद थे इनके जिस प्रदेश से और जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इसी जिला के दौरे पे भी हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी। अब जब आप आने लगे हैं तो पहले ये बताएं कि ये पैसा हमें क्यों नहीं दिया गया। सेकेंडली, आपदा के दौरान प्रदेश को जो नुकसान हुआ उसमें हमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि का क्लेम जो है हमने केंद्र को भेजा। 10,000 करोड़ का क्लेम हमने सेंटर को भेजा कि ये हमारा नुकसान हुआ है। बीजेपी की लीडरशिप ये हमें बताए कि ये क्लेम हमारा रिम्बर्स क्यों नहीं हुआ। आखिर हम संघीय ढांचे में रहते हैं और केंद्र और राज्यों के संबंध होते हैं, तो ये सेकेंडली हमें ये पैसा आपने क्यों नहीं दिया। और जो पैसा जिसकी चर्चा जयराम जी कर रहे थे यहाँ रैलियों में कि इनको पैसा दिया गया, वो कायदे के अनुसार नियमों के तहत अगर त्रासदी नहीं भी आती
तब भी हमें मिलना था। वो राशि हमें हर राज्य के लिए एक निर्धारित राशि है, वो राशि हमें तब भी मिलनी थी, लेकिन ना तो इन्होंने हमें त्रासदी का क्लेम दिया, ना ही इन्होंने पोस्ट डिजास्टर जो नीड असेसमेंट के तहत जो सारे प्रदेशों को दिया जाता है वो राशि भी हमें नहीं दी गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंडी और कुल्लू ही सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, और उसके बाद हम इन्हीं नेताओं से ये भी जानना चाहते हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, प्रदेश के 1,15,000 कर्मचारी उसके दायरे में आए। वैसे तो 1,36,000 कर्मचारियों को आना था लेकिन कुछ ने ऑप्ट नहीं किया, तो 1,15,000 कर्मचारी उसके दायरे में आए। हमारा 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास जमा था, ये राशि आपने हमें वापस क्यों नहीं लौटाई? जब हमने लागू कर दी ओपीएस आपकी विश के अगेंस्ट, लेकिन आपने ये 9,000 करोड़ रुपया भी हमें नहीं दिया। और फोर्थली हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने हिमाचल प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा को क्यों घटाया, जो सीमा आपकी सरकार के समय में हुआ करती थी वो सीमा आपने क्यों घटाई, और जबकि आप केंद्र में अपने लिए 5% की लिमिट लगाए हुए हो, कर्ज लेने की सीमा आपकी 5 की है, आपने हिमाचल को 3% पे सीमित कर दिया, और इस वजह से जो है हिमाचल प्रदेश को आपने आर्थिक तौर पे चोक करने की कोशिश की कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें ना दे सकें, इसलिए आपने कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे फॉरेन फंडिंग जो प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स पे आपने कैप क्यों लगाई, और आपने वो जो कैप 6,000 करोड़ के आसपास निर्धारित कर दी, उतनी राशि के प्रोजेक्ट तो पहले ही सैंक्शन्ड हैं और पहले ही जो है प्रपोजल्स गई हुई हैं, तो कोई भी नया फॉरेन फंडिंग का प्रोजेक्ट केंद्र से मंजूर हिमाचल प्रदेश का नहीं होगा। तो आपने फॉरेन फंडिंग पे भी ये कैप लगा दी, और फिर आपने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि हमें 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलती थी, उसको जो है 3,000 करोड़ के आसपास पे पहुंचा दी, और ये भी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ी साजिश के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही इनकी लीडरशिप आए, मैं देख रहा हूं कि मंडी में प्रचार में जिस दिशा को तरफ लेके जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के एक्चुअल इश्यूज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को उन इश्यूज का जवाब देना है जो हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे मांग रही है, और इन तमाम इश्यूज को जब आप रिड्रेस करेंगे जिनसे कि हिमाचल प्रदेश को लगभग केंद्र की इन नीतियों की वजह से हिमाचल प्रदेश को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो ये ड्यूज हमारे नहीं दिए गए, चाहे अब और तो और जो फाइनेंस कमीशन में जो एग्रीड बातें थी, जो फाइनेंस कमीशन के साथ एग्रीड बातें थी और जो प्रोजेक्ट सैंक्शन थे उसका पैसा भी इन्होंने हमें नहीं दिया।
ये लगातार एक साजिश हुई आर्थिक मोर्चे पे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय हमारी लीडरशिप डॉक्टर परमार जिसको लीड कर रहे थे और जिनको हिमाचल निर्माता कहते हैं, उन्होंने उसी समय केंद्र के ध्यान में ये बात ला दी थी कि हिमाचल के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य का गठन हो रहा है, फाइनेंशियल तौर पे स्टेट केंद्र पे आश्रित रहेगा। ये बात उसी समय से स्पष्ट थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, कर्ज लेने की सीमा घटाई गई, एक्स्ट्रा जो फॉरन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स थे उन पे कैप लगाई गई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है घटा दी गई, और उसके बाद जो हमें डिजास्टर का पैसा मिलना था वो पैसा नहीं दिया गया, पोस्ट डिजास्टर का पैसा नहीं दिया गया, और पेंशन का जो पैसा हमारा दिल्ली में पड़ा वो पैसा हमें नहीं दिया गया, और ओवर एंड अबव कोई भी ग्रांट हमें नहीं इन्होंने दी, और ना ही जो हिमाचल प्रदेश के भाजपा के एमपीज थे इन्होंने हमारा उस सुझाव को माना जिसके तहत हमने कहा था कि आप हमारे साथ दिल्ली चलें सेंट्रल लीडरशिप से बात करने कि हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा आप धक्का कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो हिमाचल में वोट मांगने से पहले हिमाचल प्रदेश में जब ये अब लोग आएंगे, क्योंकि ना तो उस दौरान मोदी जी हिमाचल आए ना ही अमित शाह जी हिमाचल आए, जबकि दूसरी स्थानों पे जाते रहे, लेकिन मंडी या कुल्लू की या जो दूसरे स्थानों पे जहाँ पे लोग फंसे हुए थे उस समय कोई इन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ के लिए नहीं बनाया। तो अब आएंगे और कहेंगे कि हमारा तो जो है इन इलाकों के साथ पुराना रिश्ता है, और कई तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन आएंगे तो हिमाचल प्रदेश की जनता को सबसे पहले ये आश्वस्त करें आके कि हम ये सारे कैप्स हटा रहे हैं, हम सारी जो हिमाचल प्रदेश के क्लेम्स हैं वो देने के लिए तैयार हैं, और तो और जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो हमें पैसा मिलना है उसमें भी केंद्र ने कोई दिलचस्पी नहीं ली कि ये पैसा हिमाचल प्रदेश को दिलवाने में कोई सार्थक मदद की जाए। तो ऐसे हमारे बहुत इश्यूज हैं, और रेलवेज के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे हुए हैं। रेलवेज में ये कहते हैं कि हम लोग इनको पैसा दें, लेकिन हमने तो जमीन के तौर पे अरबों रुपए की जमीनें इनको दे दी, लेकिन इनको रेलवेज के प्रोजेक्ट बना के हिमाचल प्रदेश को देने चाहिए। ऐसे ही जो हवाई अड्डे बन रहे हैं उनके लिए जो पैसा है वो भी केंद्र को प्रदेश को देना चाहिए। तो जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं उनको तो आपने रिड्रेस किया नहीं, हिमाचल आप लोग आए नहीं, और अब आप आ रहे हैं तो ये जो चुनाव प्रचार है, और जो यहाँ पे मंडी के लिए अगर विकास के लिए अगर बहुत बड़ा काम किया है तो वो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने और ठाकुर कौल सिंह जी की जुगलबंदी से एक बहुत बड़ा विकास का काम जो है मंडी के लिए अंजाम दिया गया। अगर यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस अगर आए हैं, आईआईटी मंडी आई है, तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया है वो भी हमारी लीडरशिप की देन है। जयराम जी कोई पुख्ता विकास का काम मंडी के लिए नहीं कर पाए, कोई भी ऐसी खासतौर पे
वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो हवाई अड्डे का था उसी को जो है जमीन पे नहीं उतार पाए, क्योंकि काम करने के लिए तो किसी भी लीडरशिप को 5 साल मिलते हैं, लेकिन और उन्होंने एक ही बड़ा प्रोजेक्ट जनता के दरबार में रखा था, लेकिन उसको भी वो जो है अंजाम पे नहीं पहुंचा पाए। तो यहाँ पे चाहे प्रशासनिक ऑफिसेज लाने थे, चाहे नॉर्थ जोन साउथ जोन के बाद यहाँ पे सेंट्रल जोन लाने का था, ये सारे बड़े बड़े काम जो है मंडी के लिए कांग्रेस पार्टी ने किए, और इसलिए हम ये चुनाव काम के आधार पे करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। हम अपना रोड मैप जो है जनता के दरबार में रख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे लेके आए हुए हैं, जो कैंडिडेट यहाँ से बनाए गए हैं, वो कंगना जी अनगाइडेड मिसाइल हैं, कहीं भी चली जाएगी। उनको जो इश्यूज हैं उनके बारे में ना तो नॉलेज है, ना ही वो नॉलेज ग्रहण करना चाहती हैं, क्योंकि अब काफ़ी दिन से प्रचार चल रहा है, काफ़ी दिन से प्रचार चल रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने आते ही कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रतिभा सिंह हमें कैंडिडेट के तौर पे मंजूर नहीं है, कोई और कैंडिडेट दो। अब हमने उनकी मांग के ऊपर कैंडिडेट दिया है, जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक ही हमने कैंडिडेट दिया है। और हमारा चुनाव प्रचार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बहुत बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स जो है कांग्रेस पार्टी को इस मंडी संसदीय सीट पे हासिल हो रहा है। और इस ये बात हमें कहते हुए कोई कि वीरभद्र सिंह हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़ी हिडन ताकत हैं, एक बहुत बड़ी हिडन ताकत हैं वीरभद्र सिंह। और वीरभद्र सिंह जी 60 साल तक उन्होंने राजनीति की, 6 दफा वो मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के प्रधान भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और लोगों के साथ जो उनका संवाद रहा या जो उनके साथ रिश्ता रहा वो फिर से जो है फलीभूत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है, किसी भी तरफ से कोई भी लोग यहां पे प्रचार में आ जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कह रहा कि हम बॉम्बे वापस नहीं जाएंगे, जाना है जाए, नहीं जाना रहे, हमें इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लीडरशिप ऐसी हो जो जनता से जुड़ी हुई हो, जिसको जनता रिकॉग्नाइज करती हो। और मैं आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनका जनता के साथ कनेक्ट नहीं बन पाया है, उनका पब्लिक कंटेक्ट नहीं बन पाया है। चाहे आप जितनी मर्जी भाषण दे दें, लेकिन जब तक पब्लिक आपकी बात को पचा ना पाए, किसी के कहने से कि देश कब आजाद हुआ वो बदलेगा तो नहीं, नेहरू जी का ना तो स्टेचर कम होगा किसी के कहने पे, जो लंबे अरसा तक जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी या उसके बाद प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी के बारे में जो बोला गया
अब मनमोहन सिंह जी ने देश को सबसे बड़ी योजना दी मनरेगा, संसार की सबसे बड़ी योजना है अब तक रोजगार की। और ऐसी लीडरशिप जिन लोगों ने काम किया उनके बारे में आप धारणाएं अवधारणाएं जो है, एक तर्क होता है एक कुतर्क होता है, तो आप चाहे जितने मर्जी कुतर्क देते जाएं, लेकिन अभी तो लोकसभा जो है वहां पे एंटर करना ही बहुत मुश्किल है। लोकसभा में एंटर करना है या किसी भी सदन में एंटर करना है, उसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि चुनाव प्रचार को उसी लेवल पे रखें जहां तक जरूरत है। और खास तौर पे ये जो भाजपा सपने देख रही है कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरा लेंगे, सरकार गिराना इनके बस की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है। और ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हुआ है। और एक राज्यसभा की सीट हासिल करने के चक्कर में 9 MLA सड़कों पर आएंगे। 9 लोग जो हैं आपने उस षड्यंत्र के तहत आपने 9 लोगों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि सदन में जाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। और अब जो लोग, हमारा 68 का हाउस है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, और 68 में हमारे पास 40 सीटें थी और 3 इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के पास 25 की स्ट्रेंथ है और अब जब 6 लोगों की सदस्यता चली गई तो हाउस 62 का हो गया। पहले तो जो 6 लोग बाहर गए हैं, इन लोगों ने जब राज्यसभा में खिलाफ वोट डाला था तो शायद इनको इस बात का भरोसा नहीं था कि मेंबरशिप भी जाएगी। ये तो नेक्स्ट डे विधानसभा में बैठने आ गए थे जब वहां पे इनकी नो एंट्री हो गई कि आप सदन में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि नहीं, आप लोग सदन में नहीं बैठ सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। वहां भी आपको रेड एंट्री हो गई और अब जनता की अदालत में फैसला होना। दिल उनका जानता 6 के 6 का कि हो क्या रहा है। हम तो प्रचार में जाके आए हैं कि MLA शिप ठुकराना होता क्या है, ये उनको पता लग रहा है। और पब्लिक का रिस्पांस जो है पूरी तरह हमारी फेवर में है। जनता इस बात को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको जिस चुनाव चिन्ह पे भेजा था आपने उससे खिलवाड़ किया। और उसके बाद अभी 3 जो इंडिपेंडेंट हैं जो कह रहे थे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, आज ही हाई कोर्ट ने उसके बारे में ये कहा है कि हालांकि 3 जजेस की बेंच इसको अब डिसाइड करेगी, लेकिन ये तो उन्होंने कह दिया कि स्पीकर को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। और स्पीकर को डायरेक्ट नहीं कर सकते या दूसरी था कि स्पीकर को कुछ टाइम दिया जाए, तो इस पे सहमति नहीं थी कितना टाइम दिया जाए या नहीं, तो वो 3 जजेस की बेंच उस पे डिसीजन करेंगी। लेकिन देर फिर तो उनको जाना है, 9 लोग बाहर चले गए। अगर 9 भी बाहर चले जाएं तो आप देख लें कि बीजेपी के पास 25 ही रहते हैं
अभी तक 25 उनके हैं और 34 हमारे हैं, और अगर 9 का इलेक्शन होता है तो 35 करने के लिए बीजेपी को 10 चाहिए, हमें 35 करने के लिए सिर्फ 1 चाहिए। तो आप कहाँ स्वप्न देख रहे हैं। जयराम जी को हमारा सुझाव है, संयम रखें, शांति रखें। जनता ने अगर उनके खिलाफ मैंडेट दिया है और आप सरकार में नहीं आए हैं तो चोर दरवाजा ना तलाशें। आपकी वजह से जो है 9 MLA सड़कों पे हैं, और अब आप कहते हैं 4 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी। 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी, पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। और इसलिए झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने की कोशिश ना करें। हिमाचल की जनता से हमारा ये आग्रह रहेगा कि आप कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार को पहले साल में एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। 4500 करोड़ रुपया हमें अपने कोष से निकाल के, जब हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हमने अपने कोष से निकाल के जो है जनता पे वो खर्च किया, और अभी भी खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला किया, और वो पेंशन हमने दी जिसके लिए मोदी जी ने इनकार कर दिया था कि इस देश में ये पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके लिए कि जयराम ठाकुर जी ने सदन में ऐलान कर दिया था, कर्मचारियों से कहा था कि अगर किसी को पेंशन चाहिए तो वो आके इलेक्शन लड़ ले, और कर्मचारियों के खिलाफ केसेस बनाए थे। हमने पेंशन का अधिकार दिया, और आज प्रदेश के सारे कर्मचारी इस बात से जो है प्रसन्न है कि हमने वायदा निभाया है। सेकेंडली, हमने महिलाओं के लिए जो कहा था कि हम 1500 रुपया देंगे, जिसको कि त्रासदी की वजह से हमें थोड़ा आगे करना पड़ा, लेकिन उसके खिलाफ भी ये लगातार चुनाव आयोग के पास गए, और चुनाव आयोग को इन्होंने कहा कि ये 1500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने से रोका जाए। वो तो आप 1 महीना रोक लेंगे, ये पैसा तो महिलाओं के खाते में जाना ही है। तो ये हमारे वायदे थे, और भी जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारा एजेंडा है, और हमने जो कैंडिडेट्स दिए हैं, सारा सोच समझ के, शिमला का कैंडिडेट हमारा बहुत शानदार बढ़त की तरफ जा रहा है, कांगड़ा में अंततः हमने अनंत शर्मा जी को कैंडिडेट बनाया, और अनंत शर्मा जी भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो 2 दफ़ा केंद्रीय मंत्री भी रहे और नेता उपनेता राज्यसभा भी रहे, तो वो उनको भी किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। और शुरुआती दौर में ही लोगों को पता लग रहा है कि इनको एक अगर ये कांगड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं तो कांगड़ा की दिल्ली दरबार में क्या पहचान बनेगी। तो इसलिए जो हमारे विधानसभा के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बढ़िया, उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, और चुनाव के अब 20-21 दिन बाकी रहे हैं, और हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और प्रदेश में कोई किस भाजपा की कोई लहर नहीं है, लहर बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है। इनको जो भाजपा के लहर कहते थे, इनको तो लहर के कहर का को झेलना पड़ेगा, जो इन्होंने हिमाचल की सरकार को गिराने की जो साजिश हुई उसकी सजा पूरे हिमाचल के लोग देने के लिए वचनबद्ध हैं, और हमारे
विक्रमादित्य सिंह जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं और जिनकी रैलियां जो हैं वो अब धमक मचाने लगी हैं, एक बहुत ही सशक्त उम्मीदवार के तौर पे वो सामने आए हैं और उनके लिए हमारे हम सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होके पूरी ताकत लगा के और हमारे नेता संजय दत्त जी जो यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे हमारे कामकाज को मॉनिटर कर रहे हैं, और ठाकुर कौल सिंह जी जो कि 8 दफ़ा MLA और मंत्री जैसे अहदों पे विभूषित रहे हैं और साथ में हमारे बाकी जितनी लीडरशिप है, सब लोग मिलके एक रिकॉर्ड तोड़ लीड जो है यहाँ से हम अर्जित करेंगे। और वैसे भी ये प्रयोग जो है जो मुंबई से जो लोग आते हैं, ये प्रयोग बहुत जगह असफल हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मंडी के लोग ऐसे प्रयोगों से बचें और ये सिर्फ चंद दिन की बात है, अन्यथा अगर 5 साल सुरक्षित आपको मंडी के विकास पे लगाने हैं, मंडी पार्लियामेंट के विकास पे लगाने हैं, ट्राइबल इलाके के विकास पे लगाने हैं, कुल्लू के विकास पे लगाने हैं, तो आपको एक गंभीर प्रत्याशी की ज़रूरत है, जबकि हमारी नज़र में BJP की प्रत्याशी नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं और उनका जो जिस तरीके से वो अपना नरेटिव बना रहे हैं वैसा राजनीति के लिए सही नहीं है, क्योंकि विकास, कल्याण और गरीब की सेवा, यही एजेंडा अंततः लोगों के काम आएगा। तो अगर विकास चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, गरीब की सेवा चाहते हैं, तो हमारा मंडी के लोग, मंडी पार्लियामेंट के लोग हमारा साथ देंगे और उसका पहले चरण में जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हम समझते हैं कि इससे अच्छा कैंडिडेट मंडी को, इससे बेहतर कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह के तौर पे जो हमने दिया है, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। और मंडी के लोग भाग्यशाली हैं कि वीरभद्र सिंह जी के बाद उनका बेटा जो है, वीरभद्र सिंह जी 3 दफ़ा यहाँ MP रहे, 3 दफ़ा प्रतिभा सिंह जी MP रहे और इस दफ़ा विक्रमादित्य सिंह जी MP बन के जो है दिल्ली जाएंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आप इनको बोला तो बोलते रहे, आप सभी हम सपोर्ट चाहते हैं। ये ठाकुर कौल सिंह जी भी एक अपील करना चाह रहे हैं। कोई आप